अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर फैसल डार हूँ, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में लिवर ट्रांसप्लांट और पैनक्रियाटिक सर्जन हूँ। हमारा डाइट एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के बारे में बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे आड़ू या पीच के बारे में। आड़ू पाकिस्तान में होने वाले चंद कॉमन फलों में से एक है, और गर्मियों के मौसम में द स्ट्रीट्स एंड बाजार्स आर फुल ऑफ पीचेस। पाकिस्तान बड़ा हाई क्वालिटी आड़ू प्रोड्यूस करता है, और चारसदा, सवात, बुनेर और जो नॉर्थ का मैक्सिमम इलाका है वहाँ पे गर्मियों के मौसम में बे इंतहा आड़ू की प्रोडक्शन होती है, और पाकिस्तान काफ़ी सारा आड़ू जो है वो एक्चुअली एक्सपोर्ट भी करता है। तो आड़ू जो है बाकी फलों और सब्जियों की तरह इसमें भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर वेरी यूज़फुल, जो हमारी हेल्थ के लिए हो सकते हैं। तो एक एवरेज साइज़ का जो आड़ू है उसके अंदर तकरीबन 58 कैलोरीज जो हैं वो होती हैं। इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तकरीबन 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक आड़ू में। प्रोटीन तकरीबन 1 ग्राम है, फैट एक्चुअली लेस देन 1 ग्राम है, और इसके अंदर जो फाइबर का कंटेंट है वो 2.2 ग्राम्स है। तो ये है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन्स काफ़ी होते हैं, पोटेशियम होता है, तो ये वाले जो मिनरल्स हैं दैट आल्सो ऐड टू द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ पीच। चूँकि गर्मियों के मौसम में ये काफ़ी मकदार में आता है, तो आई थिंक और ये होता भी बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो इसमें जो भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जिस तरह इसमें मैंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इट कैन बी अ सडनली गुड सोर्स ऑफ सडन एनर्जी, कि अगर आप बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, यू आर फीलिंग वेरी वीक, तो ये आड़ू खाने से यू फील एक्चुअली गुड, बिकॉज काफ़ी एनर्जी आपको सडनली मिल जाएगी। प्लस ये काफ़ी वाटरी भी होता है, तो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट जो है वो भी इससे कम हो सकता है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको सडन एक एनर्जी देते हैं। बाकी इट इज़ फुल ऑफ फाइबर, और फाइबर जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करते रहे हैं कि इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी नज़ामे इन्हज़ाम के फंक्शन को, उसकी मोटिलिटी को बेहतर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए जो फाइबर है दैट इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली मेडिसिन। तो अगर आप आड़ू बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरह ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में बड़े हेल्पफुल हैं। जिस तरह विटामिन ई है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट्स के जो फंक्शन है वो बॉडी में होने वाली जितनी सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, या जो एज रिलेटेड डैमेज है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। इसी तरह विटामिन ए भी इसके में अच्छी खासी मकदार में होता है, विच इज़ हेल्प योर इम्यूनिटी लेवल। जितना भी आपकी नेचुरल ऑरिफिसेस हैं उसके अंदर एक म्यूकोसल लाइनिंग होती है, जो कि बैरियर है आपके बैक्टीरिया का, जर्म्स का अंदर जाने का, उनमें विटामिन ए जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, और आड़ू उसमें बड़ा यूज़फुल फल है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, जैसे हमने कहा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइबर, सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इवेंचुअली आपके जिस्म में होने वाला एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग एज रिलेटेड केमिकल एक्टिविटी से होने वाले जो मादे बनते हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, और उसकी वजह से ओवर टाइम जो डैमेज होता है, और उस डैमेज के नतीजे में क्रॉनिक बीमारियां लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैकएक, लोअर ब्रेन फंक्शन, और इसी तरह कैंसर का रिस्क जो बढ़ जाता है, तो ये पीच में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैन एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल, अगर इसको रेगुलरली यूज़ किया जाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया जाए। सो आई होप ये एक छोटी सी समरी अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पीच विल एजुकेट यू, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।